आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हम समझेंगे कि व्हाट इज द टाइम। हम कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को कवर। ओके, तो उसमें टाइम क्या है हमारे पास, ये हमें यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मैन विद ए गिवन स्पीड इज द एट ए गिवन स्पीड इज ए टाइम। सो टाइम इज द गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मैन एट ए पर्टिकुलर स्पीड। अब इसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दिया होगा, डिस्टेंस दी होगी और स्पीड दी होगी। डिस्टेंस किस में होती है, मीटर में, और स्पीड होती है मीटर पर सेकंड में होगी फिर। ओके, तो टाइम किस में आ जाएगा हमारे पास, सेकंड्स में या मिनट में या फिर आवर में। तो टाइम को, टाइम इज इन सेकंड्स या फिर मिनट्स में होगा या फिर आवर्स में होगा। ओके, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। किससे डिनोट करते हैं टाइम को, टाइम इज डिनोटेड बाय टी, कैपिटल टी। ओके, तो टाइम क्या हो जाता है हमारे पास, टाइम टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो कितने, किस स्पीड से ट्रेवल की गई है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यदि टाइम। ओके, तो डिस्टेंस किस में डिनोट करते हैं, कैपिटल डी अपॉन स्पीड इज वी, डी बाई वी। सो दिस इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम टेकन बाय ए पर्टिकुलर मैन बाय ट्रेवलिंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर हम टाइम के ऊपर एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एग्जाम्पल हमने क्या लिया है कि एक आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अब चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी कि हमें स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, ना कि किलोमीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है इसकी मीटर में, तो इसको मीटर में रख लेते हैं 400 मीटर, बट स्पीड हमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम अब हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर को, तो मीटर पर सेकंड में ले आएंगे, तो जिससे हमारे पास टाइम भी किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर को हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। ठीक है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 10 टाइम्स 2 से 9, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 50/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, हाउ मेनी मिनट में टाइम कैलकुलेट करना है, तो कितने टाइम में आदित्य 400 मीटर डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर लेगा। तो टाइम टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हमें फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या थी, 400, स्पीड क्या है इसकी, तो डिस्टेंस भी मीटर में है और स्पीड भी मीटर पर सेकंड में, तो टाइम स्पीड क्या है, 50/9 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से मीटर कैंसिल होगा और ये सेकंड में आंसर आ जाएगा। 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 टाइम्स, तो 8 × 9 इज 72 सेकेंड आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ मेनी मिनट, अब हमसे क्वेश्चन सेकेंड में नहीं मिनट्स में पूछा है, तो हमें पता है कि 1 मिनट्स में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो टाइम टी मिनट्स में कितना आ जाएगा, 72 सेकेंड्स है, आप उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 से 5 टाइम्स और 12 से 6 टाइम्स, तो आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 मिनट्स। ओके, तो टाइम क्या आ गया हमारे पास मिनट्स में, 1.2 मिनट में, तो कितने
कितने टाइम में उसको कवर कर लेगा, हमारे 1.2 मिनट्स में कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमने इस पर एक एग्जांपल देखा टाइम पर। ओके, नाउ एक एग्जांपल हम और लेते हैं यहाँ पर टाइम पर। ओके, तो सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड एग्जांपल होगा एक पर्सन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसके डिस्टेंस दे रखे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारे पास यहाँ से 600 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है यहाँ से, टाइम इज 5 मिनट्स। तो हमें स्पीड किसी में कैलकुलेट करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड हमें किलोमीटर, सबसे पहले हमें पता होता है कि सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो सभी को एक यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसको टाइम को हम मिनट्स में कन्वर्ट, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास तो आ जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा, 5 मिनट किसके को 300 सेकंड के। तो स्पीड क्या का फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था, स्पीड का फॉर्मूला हमें पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 600 अपॉन टाइम क्या दिया हुआ है 300, वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड, ये है हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। अब स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है स्पीड, स्पीड पूछे हमसे किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है, किसके इक्वल होता है, तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड है तो इसको 2 × 18/5, तो वैल्यू क्या आएगी 36/5, वैल्यू क्या आएगी 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हमारा आंसर है क्या है 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, स्पीड आ गई इसकी 7.2 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछी थी विच इज 7.2, तो बी ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको इस कॉन्सेप्ट में हमें हमने क्या सीखा, इस कॉन्सेप्ट में सीखा व्हाट इज द टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस में हमें टाइम क्या होता है ये हमने सीखा, और इसको किससे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इस पर हमने 2 एग्जांपल्स सोल्व किए। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।